गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज इस ब्लॉग का तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग बहुत सी जगह पर जाएंगे। पहले तो जाएंगे डबल डेकर ब्रिज, जो कि मेघालय, सिर्फ मेघालय नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक फेमस जगह में जाना जाता है। सो, अभी छः बज चुका है। मैं उठ चुका हूँ। मेरे दोस्तों का भी सो रहा है, अभी उठेंगे वो भी। सब कुछ तो सही है, बस एक चीज़ हम लोगों को करवाना है आज कि देवंजन का अप्रैल का जो ब्रेक है उसका वायर, उसको टाइट करवाना पड़ेगा। ब्रेक लग नहीं रहा, तो हम लोग ने कल भी ढूंढना था पर मिला नहीं हम लोगों को। होप करता हूँ कि आज मिल जाए। तो बस बाकी सब ठीक चल रहा है, द ट्रिप इज़ गोइंग एज स्मूथ एज बटर। सो गाइस, हम लोग डबल डेकर ब्रिज के लिए निकल चुके हैं। हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं आज, देखते सही टाइम पर पहुँच पाते कि नहीं। और हम अपना व्हीकल इधर पार्क्ड है इधर, सो इधर से निकालेंगे और डायरेक्ट निकलेंगे आज नॉन स्टॉप। सो निकल चुके हैं डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप जाने में लगभग 30 मिनट लगेगा, देखते हैं कितना टाइम में पहुंच पाते हैं। और सुनने में आया है कि आगे रोड बहुत ही ख़राब आने वाला है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है, वेदर तो बहुत सही है और हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा किया सुबह आज, बहुत दिनों बाद। सो चलते हैं। जस्ट स्टार्टेड आवर ट्रैक टू डबल डेकर रूट लिविंग रूट ब्रिज। I think there are 3,500 steps and according to the locals it will take nearly 2 hours to reach the bridge. The bridge is made up of living roots. There's the wonder of nature. So let's explore it. We are trekking through the dense forest of Meghalaya. So the view is very awesome. I will surely show you that. दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि ये स्लोप कितना सीधा डाउनवर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी पहाड़ के ऊपर थे तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अभी तक तो सही जा रहा है, टायर्डनेस इतना फील नहीं हो रहा, पर थोड़ा गर्मी तो लग रहा है। देखते हैं, चढ़ते टाइम थोड़ा दिक्कत हो सकता है, शायद हम लोगों को रेस्ट लेना पड़े। अभी तक तो ठीक ही जा रहा है, अभी ज़्यादा देर हुआ नहीं, लगभग आधे घंटे का ही सिर्फ ट्रैक ख़त्म हो पाया है। और मेरे राइट साइड में जो व्यू है उसका कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आप देख सकते हो। And you can see houses there. इधर आने के लिए हम लोगों का एंट्री फी नहीं लगा, पर अपना स्कूटीज के लिए हम लोग ने 25 रुपये करके पार्किंग फी दिया है। और अपना सामान और हेलमेट रखने के लिए 10 रुपये पर हेलमेट दिया, तो सही है काफ़ी। और अभी तक तो देख के लग रहा है कि ये ट्रिप वर्थ इट होने वाला है। और आज का ये पहला डेस्टिनेशन है क्योंकि हम लोग को पता था अगर और कहीं लोकेशन पे जाके फिर ये वाला करने आए तो हम लोग से होगा नहीं, क्योंकि यही अपने आप में एक पूरा दिन ले लेता है और काफ़ी टायर्डनेस भी फील होगा इसके बाद। सो आज के लिए हम लोग का यही प्लान है शायद। सो इन टोटल मैंने सुना है कि 6 घंटे लगेगा इन टोटल। So brother, he was telling about some village area, some disturbance is there. What's the matter? Yeah, that place is like some holy place, na? Okay. Yeah, like before Christianity came here. Okay. Like the local people used to believe that there's some spirit or some village god. Okay. Stay in that place, na? Okay, okay. So if you do something stupid in that place, that something will happen to you. Oh, I tell you. Okay, fine. Okay. So guys, the local believe that this place is sacred. Okay, so earlier the people, I mean the tourist,
जो इधर आते थे वो इधर टॉयलेट वगैरह कर देते थे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये वाला प्लेस सेक्रेड है। तो लोकल्स ने इधर अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगा दिया है ताकि कोई टूरिस्ट आके उनका सेक्रेड जगह को गंदा ना करे। और इधर मैंने लोकल से सुना है, मैंने इधर बहुत हादसा भी हुआ है, कोई बोला था कि एक शिलोंग का सिटीजन आया था इधर, टूरिस्ट आया था इधर, और वो अचानक डिसअपीयर हो गया। इसका पीछे का स्टोरी तो मुझे लॉजिक वाइज नहीं पता, पर सुना है मैंने। और एक ये बात भी है कि सम र्यूमर्स आर ट्रू, सो ओके। देयर इज अ 3 मिनट वॉक टू द सिंगल ब्रिज, सो आफ्टर द सिंगल ब्रिज वी विल गो टू द डबल रूट ब्रिज। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सिंगल रूट ब्रिज के इधर, ये सिंगल रूट ब्रिज है, इसके बाद डबल रूट ब्रिज आएगा, सो लेट्स गो। तो दिस इज द ब्रिज, ये वाला ब्रिज है, मेरे को बहुत ही कॉशियसली जाना पड़ रहा है। और इस ब्रिज का ये बात है कि ये जो दिख रहा है रूट्स, ये लिविंग है, मतलब इसके अंदर अभी भी जान है। सो लोकल ने ये वाला ब्रिज बनाया है ताकि ये वाला रिवर या स्ट्रीम पार कर सके, और इसको लोकल लैंग्वेज में इसको रिटेमन कहा जाता है। थ्रिल्ड एक्सपीरियंस मैन। तो हम लोग ने अभी सिंगल रूट, ये वाला सिंगल रूट ब्रिज देख के अभी बाहर निकले। तो हम लोग के गाइड ने हम लोग को बताया कि ये एक और ब्रिज बन रहा है जो कि सिंगल रूट ही होगा, जो लोकल लोग बना रहे हैं, और ये ब्रिज पूरा होने में 30 साल लगेगा। आफ्टर 30 ईयर्स द ब्रिज विल डेवलप। अभी लगभग 1.5 घंटा का ट्रैकिंग ख़त्म हो चुका है और 45 मिनट का शायद बाकी है। सिंगल रूट ब्रिज देख चुके हम लोग, अभी 2 नॉर्मल ब्रिजेस क्रॉस करेंगे, उसके बाद डबल रूट ब्रिज जाएंगे। सो काफ़ी एडवेंचरस ट्रैकिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। So we are passing through the first Simtum bridge, in local language it is called Simtum, it is named after birds, so yeah, kafi hill raha hai bridge, that one na? Yeah, that one is an old bridge, before we used to cross from that bridge, it's okay. A living road bridge. That was living road bridge? Yeah. Okay. So after it collapsed then we make this bridge. Oh, okay. And the tree is the like safe home for that bird Symptom. Oh, okay. So we cross. So ये वाला जो ब्रिज है ये सेकंड नॉर्मल ब्रिज है जो कि रॉड से बनाया गया है, एंड इट इज द हैंगिंग ब्रिज। सो अब मेरा चेहरा देख ही सकते हो कितना डल हो चुका है, और यार गर्मी बहुत लग रहा है, मैंने स्वेटर तो पहन के आया था पर ट्रैकिंग के चक्कर में बहुत गर्मी लग रहा है। सो इस ब्रिज के नीचे जो पानी है वो नौकालिका फॉल से आ रहा है, और इस खासियत है इस पानी का कि ये पानी ब्लू दिखता है। मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ अभी। नोंगरियत विलेज के अंदर से जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज को देखने, और इधर से पहाड़ के ऊपर नौकालिका फॉल्स भी विजिबल है। मैं दिखाता हूँ हम लोग किस जगह से नीचे आए, वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको उधर से ट्रैकिंग करते करते हम लोग इधर आए, और 15-20 मिनट का ट्रैकिंग बाकी है। हम लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं क्योंकि जगह जगह हम लोग को बहुत शूटिंग भी करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्पीड स्लो हो गया, और मेरा चेहरा बहुत ही डल दिख रहा है। सो लेट्स गो।
guys, after a beautiful trek, we finally reached the double decker bridge. So this is the bridge, this one. This is the upper bridge and this is the second bridge. Now I will go to explore the bridge. So hi guys, I am walking through the double decker living route bridge. मैं जिस पे चल रहा हूँ ये वाला ऊपर में है और नीचे वाला नीचे है, चौबीस नीचे वाला नीचे होगा. और मैंने सुना है कि ये वाला ब्रिज बनने में 40 साल से ऊपर लगा है. सो अपने आप में ये स्पेशल है. और जो रूट्स है वो काफ़ी पुराना, दिखने में भी पुराना लग रहा है. और नीचे जो वाटर फ्लो रहा है उसमें मछली है. यस द आई कैन सी इन माई बेयर आइज. सो इट्स वेरी गुड. आई विल शेयर यू द ग्लिम्स. डबल डेकर ब्रिज देख के हम लोग अभी वापस जा रहे हैं. और हम लोग का भी जाना है उधर. और हम लोग ने अपना जो स्कूटीज है उधर हम लोग ने पार्क किया है. तो उधर जाना मैं देखने में, तो देख के मैं टायर्ड हो गया. तो अभी शायद 2 घंटे से ज़्यादा लग सकता है क्योंकि जाते टाइम चढ़ाई ज़्यादा है. सो हाँ, टायर्डनेस तो थोड़ा फील होगा ही अभी. सो लेट्स गो. We'll see you soon. Yeah, okay. Next time I'll do call you if yeah. I come here. Yeah. Okay. Okay, fine. You have safe journey. Yeah. Journey was very good. Thanks to you. You're welcome. Guys, I finally completed the tour. So my partner are coming. So मैं सबसे पहले आया. So अभी rest करते हैं थोड़ा, उसके बाद देखते कहाँ जाता है. हाँ, time मिले तो मौसमी के भी जाएंगे. तो देखते क्या होता है. सो गाइस, हम लोग चेरापुंजी सिटी में वापस आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग का होटल है. ये जो देख रहे हो इस रास्ते से अपना पार्किंग है. तो हम लोग अभी जा नहीं रहे. हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी नोकालिकाई फॉल्स, जो कि हम लोग ने कल मिस किया था, वो अभी विजिट करने का प्लान था. आज मौसमी के विजिट करने का प्लस, पर अभी जाएंगे नहीं उधर. चलते हैं नोकालिकाई फॉल्स और एक्सप्लोर करते हैं वाटरफॉल को. लेट्स गो. आए नोकालिका फॉल्स, पर देख ही सकते हो आप कितना अंधेरा हो गया. तो मेरे को तो दिख रहा है पर आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊंगा, विजिबल नहीं होगा ठीक से. हम लोग कल सुबह फिर से आएंगे, ये जगह विजिट करेंगे. अभी डस्क का टाइम है, मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ. सो गाइस, देयर इज द फॉल्स. इट इज नॉट विजिबल इन द कैमरा. हियर इज द व्यू ऑफ द माउंटेन्स. हियर सनसेट हुआ है कुछ टाइम पहले, तो अभी भी सनसेट का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. बाकी माउंटेन्स मैं दिखा नहीं पा रहा, मेरे को बहुत दुख हो रहा है. पर प्रॉमिस करता हूँ कल सुबह आऊँगा और व्यूज़ दिखाऊँगा. बस गाइस, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है. सो आज हम लोग नोकालिका फॉल्स नहीं जा पाए, पर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हम लोग. और अपना आज का ज़्यादा टाइम उधर ही लग गया. सो कल सुबह जाएंगे नोकालिका फॉल्स, जो आज हम लोग ने मिस किया, अंधेरा हो गया था एक्चुअली. तो बने रहने के लिए थैंक यू. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए.
तो कल मिलते हैं। तो दिस वॉज प्रतीकाचार्य फ्रॉम ट्रेवेंचर्स ब्लॉग साइनिंग ऑफ।